जो बताए हुए तरीके से एक बार आप बनाकर खा लेंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये बहुत स्वादिष्ट, देखने में एकदम लाजवाब है। अंडा आलू करी बनाने के लिए 4 बॉयल अंडे लिए हैं। अंडे को छील लिया है, टूथपिक से छेद कर लिया है। टूथपिक से छेद करने से अंडे में सालन अच्छे से एब्जॉर्ब जाता है। पैन रखा गर्म होने के लिए, पैन गर्म हो गया है। एक कटोरी तेल सरसों का ऐड करते हैं। तेल गर्म हो गया है, अंडा ऐड करते हैं। मीडियम आंच पर उलट पलट कर फ्राई कर लेते हैं। अंडा फ्राई हो चुका है, निकाल लेते हैं। दो मीडियम साइज के आलू लिए, आलू को छिलकर काट लिया पीस में, फ्राई कर लेते हैं मीडियम आंच पर। अंडे के साथ आलू का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आता है और बहुत ही टेस्टी जायकेदार सब्जी बनती है। आलू को गोल्डन फ्राई कर लेते हैं मीडियम आंच पर। आलू गोल्डन फ्राई हो चुका है, निकाल लेते हैं। दो चम्मच सरसों का तेल ऐड करते हैं। तेल गर्म हो गया है, दो तेज पत्ता ऐड करते हैं। दो छोटी इलायची, दो लौंग, गरम मसाला को फ्लेवर आने से भून लेते हैं। मीडियम साइज की प्याज, एक टमाटर का पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है, ऐड करते हैं। मीडियम आंच पर बराबर चलाते हुए 5 मिनट तक भून लेते हैं। चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करते हैं। बराबर चलाते हुए 5 मिनट तक भून लेते हैं। पाउडर मसाले ऐड करते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्चा पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करते हैं। सर नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर, सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तेल छोड़ने तक भून लेते हैं। बस पानी ऐड करते हैं, ढककर बीच में चलाते रहेंगे। मसालों को भून लेते हैं। मसालों को बीच बीच में चलाते हुए पानी डालकर भून लिया है, तेल छोड़ने लगा है। आलू ऐड करते हैं। आलू को मसालों के साथ 5 मिनट तक भून लेते हैं। आलू मसालों के साथ अच्छे से भून गया है, तेल छोड़ने लगा है। अंडा ऐड करते हैं, पानी ऐड करते हैं सालन बनाने के लिए, 1 गिलास। ढककर 10 मिनट तक मीडियम आंच पर आलू बिगड़ने तक पका देते हैं। खोलकर चेक करते हैं,
आलू अच्छे से गल गया है। आलू अंडा करी बनकर तैयार है, डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही स्वादिष्ट ढाबे वाली आलू अंडा करी बनकर तैयार है। बताए हुए तरीके से एक बार आप बनाकर खा लेंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये बहुत स्वादिष्ट, देखने में लाजवाब है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। दीजिए अपनी सफीना खान को इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।